हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सीमास कुक बुक। आज मैं आपके साथ शेयर करूंगी एक रोटी का बहुत ही टेस्टी सा नाश्ता, बहुत ज़्यादा पसंद आने वाला है ये आपको। तो फटाफट से चलो स्टार्ट कर लेते हैं। तो यहाँ पर मैं कढ़ाई के अंदर ले रही हूँ ऑयल, इसी के साथ इसके अंदर मैंने डाला है थोड़ा सा जीरा और थोड़ी सी राई, और अच्छे से इसको एक बार हम लोग भून लेंगे और उसके बाद में इसके अंदर डालेंगे करी पत्ता। तो मेरे पास थोड़े सूखे हुए करी पत्ता थे वो लिए, आपके पास फ्रेश हो तो आप वो ले सकते हो। इसी के साथ यहाँ पर मैं ले रही हूँ प्याज, और अच्छे से इसको एक बार हम लोग को मिक्स कर लेना है। और अब यहाँ पर डालूंगी मैं थोड़ा सा हल्दी पाउडर, और अच्छे से इसको एक बार हम लोग मिक्स करेंगे। फिर डालेंगे इसके अंदर हरी मिर्ची, तो अगर बच्चों के लिए बना रहे तो स्किप कर देना। और इसी के साथ यहाँ पर मैंने एक टमाटर लिया है, और अच्छे से इसको एक बार भुनेंगे। फिर डालेंगे हम लोग इसके अंदर लाल मिर्ची पाउडर। इसी के साथ यहाँ पर मैं थोड़ा सा डालूंगी धनिया पाउडर, और डालेंगे टेस्ट के हिसाब से नमक, और अच्छे से इसको एक बार मिक्स करेंगे। बहुत ज़्यादा टेस्टी लगता है, सभी के घर पे वैसे बनता होगा, सबका बनाने का अपना अपना तरीका है। मैं जिस तरीके से बनाती हूँ वो मैं रेसिपी शेयर कर रही हूँ। और यहाँ पर डाल रही हूँ थोड़ी सी कसूरी मेथी, और अच्छे से फिर से इसको एक बार हम लोग मिक्स करेंगे। और अब डाल रही हूँ मैं थोड़ा सा पानी, और फिर जब तक इसके अंदर एक उबाल नहीं आता है तब तक हम लोग इसको पका लेंगे। आप चाहो तो पूरी रेसिपी को पानी में भी बना सकते हो, या फिर दही डालकर भी बना सकते हो। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हल्का उबाल आना स्टार्ट हो गया है। तो अब यहाँ पर मैं डाल रही हूँ थोड़ा सा जो गरम मसाला होता है, घर का गरम मसाला, वो मैं इसके अंदर डाल रही हूँ। नहीं पसंद है तो स्किप कर देना। तो अच्छे से मिक्स कर लिया है मैंने, उबाल भी आना स्टार्ट हो गया है, तो इसी को एक बार मिक्स करेंगे। और अब यहाँ पर मैं ले रही हूँ दही, जिसको मैंने अच्छे से फेंट लिया है, और वो इसके अंदर डालेंगे। हल्का सा खट्टा दही है, बहुत ज़्यादा खट्टा नहीं लेना है। अगर बहुत ज़्यादा खटाई आपको पसंद है तो ले सकते हैं। और अच्छे से इसको चलाते रहना है। इस टाइम पर मैंने गैस की फ्लेम को एकदम लो कर दिया है, लो फ्लेम पर, या फिर गैस की फ्लेम को बंद कर दीजिए एक बार दही डालते हैं उस टाइम पे। और अच्छे से मिक्स करने के बाद में आप एकदम लो फ्लेम पर इसको कंटिन्यू चलाते रहिए, इससे आपका दही बिल्कुल भी नहीं फटेगा। तो बस इसको मैं कंटिन्यू ऐसे चलाती रह रही हूँ। अगर आप हाई फ्लेम पर इसको पकाएंगे तो दही हमारा तुरंत ही फट जाएगा, आप चाहे इसको कितना भी चलाते रहे। तो लो फ्लेम पर इसको बस कंटिन्यू चलाते रहिएगा, एक से दो मिनट में बहुत ही अच्छे से उबाल आ जाता है इसके अंदर। और अब यहाँ पर मैं ले रही हूँ रोटी, तो जिसको मैंने ना थोड़ा सा सुखा कर लिया है। आप चाहो तो जो फ्रेश रोटी है वो भी ले सकते हो, तो वो आपकी पसंद है। मेरे यहाँ पर थोड़ी सी जब रोटी सूख जाती है उसके बाद में अगर इसको बनाते हैं तो वो ज़्यादा अच्छी लगती है। तो जैसा आपके घर में पसंद हो उस हिसाब से आप एक बार ज़रूर ट्राई करिए, बहुत ज़्यादा टेस्टी लगेगी। अगर आपको सब्जी नहीं पसंद है कोई, तो इस हिसाब से आप बनाकर ट्राई कर सकते हो, आपको बहुत ज़्यादा पसंद आने वाली है ये। और अच्छे से मिक्स करके इसके अंदर डाला है मैंने बारीक चॉप करके हरा धनिया। इसको बहुत ज़्यादा नहीं पकाना है हमको, बस हरा धनिया डालेंगे, फिर से इसको एक बार मिक्स कर लेंगे। और हमारे आप देख सकते हैं इसके अंदर उबाल भी बहुत अच्छा आ गया है। तो बस कवर करके इसको ऐसे ही थोड़ी देर के लिए हम लोग छोड़ देंगे। तो यहाँ पर मैं एक बार हरा धनिया बारीक चॉप करके ले रही हूँ, और अच्छे से इसको एक बार हम लोग मिक्स करेंगे। और फिर उसके बाद में इसको कवर करके हम लोग थोड़ी देर तक ऐसे ही साइड पर छोड़ देंगे। तो रोटी जो भी है वो एकदम अच्छे से फूल जाएगी, जो भी पानी है उसके साथ एकदम अच्छे से फूल कर रेडी हो जाएगी। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं एकदम अच्छे से रेडी हो गई है, तो मिक्स कर लेते हैं। और फटाफट से इसको कर लेते हैं सर्व। तो फ्रेंड्स तैयार है बहुत ही टेस्टी, फटाफट से सभी को पसंद आने वाला रोटी से बना हुआ बहुत ही टेस्टी सा नाश्ता। आप लोग किस हिसाब से बनाते हैं मुझे कमेंट करके जरूर बताना। तो फ्रेंड्स अगर आपको मेरी ये रेसिपी अच्छी लगे तो प्लीज लाइक, और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना। थैंक यू।